शुरू में जब आप स्लगिश होते हैं और झटका आपको लगता है, उसके बाद इंजेक्शन आपको लगता है। और पाकिस्तान, मैंने हमेशा देखा है, मैं कल भी कह रहा था, अगर पाकिस्तान स्टार्ट अच्छा करता है तो ये फिनिश अच्छा नहीं करते। जब इनका स्टार्ट थोड़ा सा ढीला होता है, ये फिनिश अच्छा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा कि विक्रांत गुप्ता, जिनको ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा सुना जाता है, उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम में अभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेलने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम है जो कि कभी भी वापसी कर सकती है। ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान टीम बहुत बार ऐसा कर चुकी है और पाकिस्तान टीम में इतनी सलाहियत भी है कि पाकिस्तान अपने आने वाले तमाम मैचेस जीत कर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम की जीत के हवाले से आपने भी मायूस नहीं होना और उम्मीदें नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने आने वाले मैचेस भी जीतेगी और सेमीफाइनल भी खेलेगी। तो विक्रांत गुप्ता का मुकम्मल बयान भी आगे चलकर इस वीडियो में आप दोस्तों को सुनाते हैं, लेकिन वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्त हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नहीं, इवन जो अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे सर, कि पाकिस्तान अब शायद बेहतर लगेगा यहाँ से, कई बार सर जीत भी एक जरूरी होती है, क्योंकि एक महीना हो गया तकरीबन जब बांग्लादेश को अपने घर में हराया था पाकिस्तान ने, 6-7 तारीख की बात होगी, उसके बाद से पाकिस्तान जीता नहीं था कोई मैच। आप 2 वार्म अप के मैच भी हार गए, आप एशिया कप में भी हार गए, एटलीस्ट अब पाकिस्तान के खेमे में अच्छी खुशखबरी आई। दूसरा क्या है, रिफ्ट जो थी वो भी बहुत सारी, रिफ्ट तो रिफ्ट तो पाकिस्तान की टीम ने कहा था और पाकिस्तान की मीडिया ने कहा था। तो पाकिस्तान की मीडिया ने क्यों कहा था, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से किसी ऑफिशियल ने या प्लेयर ने वो साजिश रची या लीक किया, हमें नहीं पता। दूसरी बात है, वर्ल्ड कप खेलने आए, वर्ल्ड कप से एक महीना पहले पाकिस्तान के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। इंशा अफरीदी ने विकेट एक ही लिया, पर बॉल उन्होंने भी ठीक ठाक किया, हालांकि नवाज को, शादाब को एक एक विकेट मिला। बट अगेन, ये बड़ी टीमों के खिलाफ क्या करेंगे? बिल्कुल। बट क्या आज आपको ये चीज लगा, मतलब ठीक है आज पाकिस्तान, आई थिंक हारिस राउफ, लेकिन आज नए विकेट और बैटिंग में देखो सौद शकील, इनको एक अच्छा, अब नाउ दे नो सौद है हमारे पास, ये रिजवान ने भी अपने रन बनाए नीचे से, नवाज और शादाब ने भी रन बना दिया। आई थिंक सौद का जो है ना, क्योंकि मतलब मेरा तो जो हम बात भी करते थे जब हम पाकिस्तान की 11 एशिया कप में बात करते थे, तो लगता था कि यार सौद शकील होने चाहिए, पर क्योंकि आज उन्होंने आते रन और यूजफुल रन करे, तो अब पाकिस्तान इस कंफ्यूजन से हट सकती है कि भाई नहीं, आगा सलमान जो बैटिंग सौद शकील देते हैं वो आगा नहीं दे पाएंगे। वो वही होगा, कभी कभी बॉल आप सोच रहे हो वो काम इफ्तिकार आपके लिए कर देंगे। तो सौद शकील का दृष्टि आई थिंक इनके लिहाज से अच्छी चीज हो गई कि आज उनके आते वो रन और इंपॉर्टेंट रन जहां पर प्रेशर भी लगा हुआ था। सौद शकील एक नए खिलाड़ी है, ऐसा नहीं कि वो सेट प्लेयर है, उनको लंबा बैक करते मौका मिलता, और आज उनके लिए बढ़िया चीज रही सौद शकील के भी रन आ गए, वहां पर जगह बनाई ना आगा सलमान को, वही हम बात करते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच ही बन गए। कि आपने आगा सलमान को जब कई मैचेस आप किसी खिलाड़ी को, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को निभा नहीं पा रहा है, कि उसको भुना नहीं पा रहा है, बट इनको मिली, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने बोल दिया यार मुझे शायद आप पहले दे देते तो शायद एशिया कप भी और अच्छा होगा। कहीं ना जब खिलाड़ी कोई बैठा है ऐसा जो करना चाहता तो खिलाओ उनके जो शॉट। तो दोस्तों, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने आने वाले 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और अपने वर्ल्ड कप के इख्तिताम में अपने शायकीन को कोई अच्छी खबर सुनाए। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों, हम ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।